हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इसी प्लांट्स केयर में। तो आज हम बात करेंगे अजवाइन के पौधे के बारे में। इस पौधे को फ्रेंड ओरिगेनो या और भी नामों से जाना जाता है, लेकिन अजवाइन का जो प्लांट होता है वो इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आप इसकी पत्तियों को टच करेंगे तो इसमें से जो है वो अजवाइन की खुशबू आती है और वो आपके हाथों में भी आने लगती है। इसी वजह से इसे अजवाइन कहा जाता है। अगर आप बिगिनर है फ्रेंड तो ज़रूर आप इस पौधे को लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। देखिए इस तरीके से मैंने इसे ये बेकार कंटेनर में लगा रखा है। तो आप इसे मिट्टी के पॉट में या प्लास्टिक के किसी भी पॉट में ग्रो कर सकते हो। छोटे से पॉट में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसे फ्रेंड आप तेज़ धूप में भी रख सकते हो, या जहाँ आपके यहाँ कम धूप आती है वहाँ भी इसे लगा सकते हो। दोनों ही कंडीशन में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इस प्लांट में फ्रेंड मेडिसिनल क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं और इसे आप कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हो। और जो पिज़्ज़ा हम बनाते हैं उसमें जो ओरिगेनो का यूज़ किया जाता है तो वो इसकी पत्तियों से ही तैयार होता है। बात करें हैंगिंग बास्केट की, तो फ्रेंड हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी जो सॉयल है वो आप वेल ड्रेन बनाएं, क्योंकि इसमें जो है वो पानी ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं होती है पानी की। इसको बुशी बनाने के लिए फ्रेंड आप इसकी जो है वो ऊपर से कटिंग करते रहें, तो ये आपका प्लांट जो है वो बहुत ही बुशी हो जाएगा और देखने में भी वो बहुत सुंदर लगता है। और हैंगिंग बास्केट में तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए इसको हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कटिंग से ही ग्रो हो जाता है। तो उसके लिए बस आप एक इसकी कटिंग ले लें इस तरीके से, और इस जितनी भी इसकी जो नीचे एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उन्हें हटा दें और इसे मिट्टी में हम ऐसे ही लगा देंगे। इसकी जो कटिंग है वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाती है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये। अगर आप इसकी हैंगिंग बास्केट तैयार करते हैं तो वो काफ़ी समय तक आपके साथ ऐसी बनी रहती है। तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से आप इसके बहुत ही सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, जो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इसकी जो पत्तियां हैं फ्रेंड वो थोड़ी मोटी होती हैं, उनमें हल्का हल्का रुआ होता है, और अपनी पत्तियों की वजह से ही ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है देखने में।